OMG, रशियन यंग बॉय विथ बीड़ी। ये देखो, ये है पासा और बीड़ी पी रहा है। तो पासा बीड़ी को बहुत लाइक करता है, वो सासा है और वो लड़की जो है उसका नाम है बीका। तो ये सारे मेरे रशियन फ्रेंड हैं और मैं हूँ अभी कहाँ पर, गोवा में। अगर आप भी गोवा में रशियन से मिलना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको गोवा के अरम्बुल पर आना चाहिए। अरम्बुल एक जगह है और इसी जगह के नाम पे जो बीच है उसे अरम्बुल बीच कहा जाता है। वैसे गोवा में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन अगर आप रशियन से मिलना चाहते हैं, स्पेशली रशियन से, तो आपको गोवा के अरम्बुल में आना पड़ेगा। और अरम्बुल बीच के साइड में ये रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए हैं और यहीं पर कन्वर्सेशन चल रहा है। पहले आप एक कन्वर्सेशन देखिए, उसके बाद मैं इन सभी का नाम और पूरी डिटेल और अन्य लोगों से मिलवाता हूँ। Ай, баба! Дайте еще одно мне слово. Да, не, давай. Я прям не вкусила. Конечно, конечно. Загадайте ей слово. Нет, давай вот он отгадал. Он должен тебе загадать. Или ты ему, какие Нет, правила? Мне нравится фантазия Паши. Паша, давай ты. Давай, Паша, загадывай. Я пока схожу. वो देखो, टेबल पे लड्डू एंड जलेबी रखा है जो कि मैं इन लोगों के लिए लेके आया था, बट इन लोगों को बहुत ही अजीब लगा। अगर आपको लड्डू एंड जलेबी खाने का रिएक्शन वीडियो देखना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। वो थी गलीना जो चली गई है वॉशरूम। वो बीका, जैसा कि मैंने बता दिया, ये है मिस्टर मिलान। मिलान मिलान मतलब रशियन मुस्लिम है। वो सासा है जो कि जिसका कोई रिलीजन नहीं है। पासा को भी बता दिया जिसका कोई रिलीजन नहीं है। ये है मरत जो साइड में बैठा है, ये है मरत जो कि एक मुस्लिम है, रशियन मुस्लिम है। ठीक है, तो यहाँ रिलीजन रशियन में कोई रिलीजन नहीं है। अगर ओरिजिनल जो रशियन से उनका कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, अब ये गलीना जो है रिएक्शन कर रही है कि आप लोग पहचानो और मैं क्या कर रही हूँ। तो गोवा में आके ये इतना ज़्यादा मज़ा करते हैं। अगर आपको और गोवा के ब्लॉग देखना है, गोवा के टूरिस्ट प्लेसेज देखना है, टूरिस्ट प्लेसेज इन गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज इन अरम्बुल, रशियन प्लेसेज इन अरम्बुल, रशियन प्लेसेज इन गोवा, तो मेरे बी चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, आप ज़रूर चेक करना। ये देखो गलीना क्या कर रही है। गलीना से जब मैं ओरिजिनल नाम पूछा तो ये बोली मेरा नाम गीतांजलि है। बहुत इंस्पायर है इंडिया से और लगभग ये इंडिया में 1 महीने थी और उसके बाद अभी तो फिलहाल चली गई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर से आएगी ये इंडिया पर। और इस चश्मे वाले का नाम तो मैंने बताया नहीं, इसका नाम है मिस्टर मिस्टर एलेक्स। तो ये है वीडियो, अभी एक बार पहचानते हैं कि ये गलीना बोल क्या रही है। Это как типа часть от этого? Чё говорил он? Часть. Ты говорил часть? बहुत ही टफ इंडिकेशन है, मैं तो समझ नहीं पाया। बस इसका ओरिजिनल जो इंडिकेशन था, इंडिकेशन का मीनिंग लीगलाइजेशन था, गलीना ने बताया लास्ट में। और ये जो सामने एक बोतल में दिख रहा है ना, ये मशरूम का जूस है। मैंने पिया, मैंने टेस्ट किया, थोड़ा सा इसमें नशा भी है। ठीक है, तो बहुत ही हार्ड है और रशियन ट्रेडिशनल ड्रिंक बोलते हैं इसे, तो रशियन ट्रेडिशनल ड्रिंक मशरूम का जूस है। तो अगर आपको गोवा से रिलेटेड और वीडियो चाहिए और अगर आप 2023 में गोवा आ रहे हो तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप और गोवा के ब्लॉग और अरम्बुल के ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।